वो तनु चंडेल आदिल की गर्लफ्रेंड जो लेटर जिसने उसकी वजह से आदिल ने मेरे साथ ये सारा कांड किया, मुझे छोड़ा, मारा, पिटा, शी इज प्रेग्नेंट, चावला। तो मैम कल बिग बॉस में तो आप क्या स्टैंड जीत गया, स्टैंड? हाँ, कंग्रेचुलेशन स्टैंड को। हाँ कंग्रेचुलेशन। यस मैम। बाकी मैम आपके केस का अभी क्या हुआ, वो जो कल कह रहे थे आप कुछ सुबह कल हुआ ना, एक ईरानी लड़की ने रोशाना नाम की एक लड़की ने जी मैम आदिल पे चार्जेस लगाए ना रेप केस का। जी मैम आपको तो पता ही है। जी जी आप कल बता रहे थे। दुनिया मुझे कह रही थी जी मैं सच्ची थी और सच्ची रहूंगी हमेशा। जी मुझे ऊपर वाला झूठ बोलने के लिए इजाज़त नहीं देता और ना मैं बोलती हूँ झूठ। तो आपको भी क्या लगता है कि आदिल जी अभी छूटेंगे या फिर? मेरे लगने से कुछ नहीं होता, सारे चार्जेस लगे हैं जी। दुनिया की लड़कियाँ जो शरीफ लड़कियाँ चुपचाप बैठी है जिसके साथ आदिल ने बहुत क्रूरता की है जी। और सबसे ज़्यादा दर्द ये हो रहा है कि अभी खबर आ रही है कि मैंने न्यूज़ में देखा, खबर आ रही है कि वो तनु चंडेल आदिल की गर्लफ्रेंड जो लेटर जिसने उसकी वजह से आदिल ने मेरे साथ ये सारा कांड किया, मुझे छोड़ा, मारा, पिटा, शी इज़ प्रेग्नेंट, दिस इज शॉकिंग फॉर मी। आदिल यू प्लान द बेबी विथ मी, आई एम योर वाइफ एंड यू गिविंग बेबी टू गर्लफ्रेंड्स, आई एम योर वाइफ, हाउ आई फील आदिल, मैं मुझे कैसे जिंदा रहना है आदिल बता दो मुझे, ये मैं सुनती हूँ तो मुझे कैसे सर्वाइव करना है और मुझे कैसे जिंदा रहना है आदिल। अगर आदिल जी अभी छूटे और आपके पास अगर आना चाहें तो आप वापस? ये सब क्या बात है, इसका कोई मायने नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है जी। आदिल कभी सुधर नहीं सकता जिंदगी में, वो 2 महीने के लिए सुधर सकता है, 6 महीने के लिए, परमानेंटली आई गॉट टू नो व्हाट इज ही, हु इज ही। तो अपनी लाइफ में आप आगे निकल चुके हो बहुत। आगे नहीं निकले जी, कहीं वही स्थिर है जी। लेकिन मेरे साथ जो गुनाह किए हैं जी उसको सजा आदिल को भुगतनी पड़ेगी जी। मुझे लगता है कि खुदा ने मुझे चुना था उसकी ज़िंदगी में जी, इसीलिए ताकि उसके पर्दाफाश कर सकूँ मैं, यू नो। यस। आज के व्हाट्सएप पे आपने अपडेट भी नहीं डाला। क्या अपडेट कि आप आने वाले हो नहीं आने वाले हो, इसलिए कोई आया ही नहीं, किसी ने बताया नहीं जी। कल एक्चुअली कल सब नाइट करने गए थे ना वो, तो अभी तो जिम करके आऊंगी ना जी। कितने बजे तक आओगे? आ जाऊंगी 4 बजे। ओके मैम।